चांद पर कदम रखने के बाद अब सूर्य की बारी है। चंद्रयान 3 के बाद अब भारत का मिशन सूर्यान है और इसके लिए आदित्य L1 को लॉन्च भी कर दिया है। आदित्य L1 बखूबी आगे बढ़ रहा है। इसरो की ताजा अपडेट के अनुसार दूसरी बार आदित्य L1 की कक्षा को बदल दिया गया है। लेकिन क्या आपको सूर्य के तापमान कोरोना के बारे में पता है? वो कितना गर्म है? इसका तापमान 20 लाख डिग्री तक जाता है, जिसका अध्ययन आदित्य को करना है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सूर्य का कोरोना आखिर होता क्या है। सूर्य का कोरोना किसे कहते हैं? बता दें कि सूर्य का कोरोना सूर्य की बाहरी वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। ये सूर्य की सतह पर उसकी चमकदार रोशनी से छिपा रहता है। कोरोना सूर्य की सतह से करीब 10 मिलियन गुना कम घना है। कम घनत्व के चलते कोरोना सूर्य की सतह की तुलना में बहुत ही कम चमकीला होता है। इसलिए आदित्य L1 को खास तरीके से तैयार किया गया है। बता दें कि सूर्यान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट से सूर्य का अध्ययन करेगा। हालांकि इतनी दूर सूर्य की गर्मी के बीच ये काम आसान नहीं है। आदित्य L1 को इस हिसाब से बनाया गया है कि वह सूर्य की भीषण गर्मी का मुकाबला कर सके, उसकी तेज गर्मी को झेल सके। सूर्य के ऊपरी वातावरण को मुख्य रूप से 3 परतों में बांटा गया है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। कोरोना सबसे ऊपरी परत है, जो कि एक रहस्य से कम नहीं है। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 4 महीने बाद L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा और अपने काम को अंजाम देने लगेगा। इस मिशन से मिलने वाली जानकारी का इंतजार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। बता दें कि भारत एक के बाद एक इतिहास रच रहा है। दरअसल कोरोना सूर्य की सबसे ऊपरी परत है, लेकिन इसका तापमान बाकी दोनों परतों से 500 से 2000 गुना तक बढ़ जाता है। इसकी मोटाई लगभग 10,000 किलोमीटर बताई जा रही है। इस बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस परत का तापमान 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक जाता है। यहां पर आवेशित गैसों की लपट लहराती रहती है। ग्रहण के दौरान ही इस परत को देखा जा सकता है। इस परत में सौर तिरंगे नजर आते हैं, जिन पर वैज्ञानिक निगरानी रखते हैं। यही तिरंगे ऊपर की ओर बढ़कर कोरोना में जाती है। कोरोना सूर्य की तीसरी और सबसे ऊपरी परत है। इसे केवल ग्रहण के दौरान ही देखा जाता है। वैज्ञानिक इसकी मोटाई 8 से 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं। कोरोना का तापमान 10 लाख से 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। इससे निकल रही आवेशित गैसों का तापमान जब जरा भी कम होने लगता है तो वह कोरोना को छोड़कर हमारे सौर मंडल की ओर बढ़ती है। इससे सौर तूफान बनते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।